आज हम मल्टीमीटर का यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है, अब इसमें किस पार्ट्स का क्या नाम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये जिसको मैं दबा रहा हूँ ये है ट्रिगर है, और जो ये है इसको क्लिपर बोलते हैं। तो ये क्लिपर है, ये हमारा डीसी में यूज़ नहीं होता है, एसी में यूज होता है। जो हमारा वायर होता है, वायर में कितना हमारा एम्पियर गया है उसके लिए यूज होता है, और वैसे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप ये वाला बटन देख रहे हो, ये पुश बटन है, ये होल्डिंग डाटा के लिए काम आता है। जो भी हमारी डिस्प्ले में डाटा होगा, अगर हमको वो होल्ड करना है तो हम इसको प्रेस कर देते हैं और डाटा होल्ड हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी डिस्प्ले है, दिख रहा है। और अगर इसकी बात करें, ये रेगुलेटिंग स्विच है हमारा, तो इससे हम रेगुलेट करके जो भी हमको यूनिट पे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो पोर्ट है, ये पॉजिटिव का या वोल्ट का भी बोल देते हैं, या फिर हमारा एम्पियर का जो भी है, ये कॉमन है, ये एक्सटेंशन है। जो एक्सटेंशन वाला है, ये एक्सटेंशन इंसुलेशन रजिस्टर टेस्टर यूनिट के लिए काम आता है, हमारे में कोई भी काम नहीं है, डीसी में हमारा इसका कोई भी काम यूज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम वायर लीड बोलते हैं, वायर लीड अगर हम इसकी बात करें तो इसको प्रोब बोलते हैं। तो इस प्रोब की ये ब्लैक है, ब्लैक को हम कॉमन में यूज़ करते हैं, तो ये कॉमन में लगा दिया हमने। ये हमारा रेड वाला है, ये रेड का प्रोब है, इसको हमने रेड में लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये एसी ए मीन्स एसी में एम्पियर चेक करने के लिए है, एसी करंट में। ये ऑफ़ है, अभी रेगुलेटिंग स्विच ऑफ पे है, तो ये ऑफ है, कुछ भी डिस्प्ले में हमारे में शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम का शाइन, तो ये जो ओम है ये दर्शाता है हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू को, जितना हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे अभी आपको सब एक एक करके। उसके बाद जो यहाँ पे ये बीप वाला निशान दिख रहा है, सिंबल जो दिख रहा है, ये सिंबल कंटिन्यूटी का होता है, ये किसका होता है, कंटिन्यूटी का होता है। उसके बाद अगर हमको वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज डीसी या एसी, अगर हम बैटरी का करेंगे तो डीसी पे लगाएंगे, और जो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, जो हमारे घर पे आता है, ये उसको मेज़र करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसी से भी मल्टीमीटर ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, मल्टीमीटर वर्किंग में है या नहीं है। तो इस नोब को मैंने कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है, और उसके बाद में जो ये हैं इसको पिंस को मैंने बीप साउंड आया, दैट मीन्स ये हमारा ओके है। अब हम बात करते हैं ये कंटिन्यूटी का है, तो कंटिन्यूटी का रिक्वायरमेंट कब पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, वायर लेंगे, वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। एक को हम अपना रेड पिन पे लगाएंगे और एक को ब्लैक पिन पे लगाएंगे। ये हमारा वायर है, तो हमने ये रेड लगा दिया, ये हमने ब्लैक को अटैच कर दिया, देखा कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसमें बीच में कट है वायर में, ये हमने पहले ही कट कर रखा था आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को दोबारा लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे और जॉइंट कर देंगे। अभी हम जॉइंट कर रहे हैं, अब जॉइंट करने के बाद सेम मेथड हम दोबारा अपनाएंगे, एक ब्लैक और एक येलो, देखो अभी बीप साउंड आ गया, दैट मीन्स कि हमारा ये क्या है, ओके है, वायर हमारा ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करंट हमारा फ्लो, ठीक है, वोल्टेज देखना है। तो इस रेगुलेटर को घुमा के हमको डीसी, ये डीसी वोल्टेज का है, तो डीसी पे हमने किया हुआ है। अभी ये मेरे पास एक बैटरी है, पावर बैंक है, बैटरी भी बोल सकते हैं, पावर बैकअप भी बोल सकते हैं। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 वोल्ट। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें ये बड़ा वाला ये नेगेटिव का है, और ये छोटा वाला है ये पॉजिटिव का है। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव का, तो जैसे हमने रेड वाला पॉजिटिव पे लगाया और ब्लैक वाला नेगेटिव पे, तो आप देखोगे कि 9 वोल्ट हमको वैल्यू मिला 9 वोल्ट। अगर मैं अभी क्या है, जो हमारा रेड है वो नेगेटिव में लग जाता है और ब्लैक पॉजिटिव में लग जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी वैल्यू जो रीडिंग आ रही है वो सिर्फ हमारी नेगेटिव में आएगी, इससे हमारा कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये वोल्टेज टेस्ट करते हैं ऐसे इससे। अब उसके बाद फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ है हमारा, फ्यूज़ आपने देखा होगा कई टाइप्स के होते हैं, तो जो हमारा चिप टाइप का होता है, ब्लेड टाइप का फ्यूज़ भी बोल देते हैं उसको, तो हम देख सकते हैं आसानी से, उसको देख नहीं सकते अच्छे से कि फ्यूज़ वर्किंग में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेम इसको लेंगे, कंटिन्यूटी पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी पे लगा दिया, कंटिन्यूटी वाले पे हम एनोड भी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद ये हमारा फ्यूज़ है, तो एक इधर साइड लगाएंगे, एक वायर को, एक वायर पिन को इधर साइड लगाएंगे, दैट मीन्स बीप आ गया, ये हमारा क्या एकदम ओके फ्यूज़ है, फ्यूज़ हमारा एकदम सही है, ये फ्यूज़ ख़राब नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है, एक हमने ये इलेक्ट्रॉनिक चिप लिया हुआ है,
अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चिप की बात करता हूँ तो मेरा जो ये फर्स्ट वाला ये पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है और ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इसके बीच में जो वैल्यू है मेरा वो रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम 1300 के समथिंग आना चाहिए और वी कैन से 1.3K के समथिंग आना चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस पर अटैच करूँगा, ये रेजिस्टेंस पर मैंने कर दिया है। उसके बाद सेम वही, ये इसका फर्स्ट पिन है और इसका थर्ड फोर्थ पिन है, तो वही जो मैंने बोला है 1300 के समथिंग आना चाहिए वही आ रहा है, 1395 के समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स कि ये मेरी वैल्यू ओके। इस हिसाब से हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो हम सेंसर्स का भी चेक कर सकते हैं। अभी जो हमने पहले बताया था इस होल्डिंग बटन का काम क्या है, तो अभी इसका वर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम वो लगाया हुआ है, नंबर वन पे लगाया हुआ है, ये नंबर थर्ड पे लगाया हुआ है। प्रेस करना जरा उसको, होल्डिंग बटन को प्रेस करना। तो ये जो वैल्यू है, बस छोड़ दो, ये वैल्यू मेरी होल्ड हो गई है। ये क्या है, होल्ड करने के लिए। अब इसको हटाना है तो दोबारा से मेरे को ये प्रेस करना पड़ेगा और ये वैल्यू हमारी हट जाती है। थैंक यू।